एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरफान सबीरा ब्लॉग्स। तो आज है संडे और आज हम लोग जा रहे हैं सिबा समुद्रम वाटरफॉल्स। तो उसे ही हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे। और इना यहाँ पे रेडी हो चुकी है बहुत। हम लोग 4 बजे ही उठ गए थे पर अभी टाइम देखिए 7 बजने में सिर्फ 10 मिनट है। निकलते लेट हो गए क्योंकि खाना भी मैंने घर से ही बना लिया है और आयान भी गया है गाड़ी में सामान रखने के लिए। और इनसे मिस्टर से भी मिलवाती हूँ, ये भी रेडी हो रहे हैं। तो अभी हम लोग घर से निकलेंगे और यहाँ से करीब 3.5 घंटे का रास्ता है। और बस चलिए फिर हमारे साथ और इनसे मिल लीजिए। और आयान को भी मैं दिखाती हूँ। तो अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं और टाइम हो रहा है 7, पूरा 7 बज रहे हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आज गगनचुक्की और बाराचुक्की वाटरफॉल्स। और आयान से मिल लीजिए। तो यहाँ है आयान, हाय बोलो आयान। विनय तो मिस्टर से तो आप लोग मिल चुके हैं, तो चलिए फिर हमारे साथ, मैं रास्ता दिखा दे जाऊंगी आपको। तो हम लोग ने स्टार्ट कर लिया है NH 44 और ये रास्ते से जाएंगे हेब्बाल होके, शायद ना हेब्बाल होके जाना पड़ेगा। और देखते हैं आगे कौन सा रास्ता आता है। मैं तो दो रास्ता है, आप एक मैसूर एक्सप्रेस हाईवे ले सकते हैं और एक कनकपुरा नाइस रोड होके, जो कनकपुरा रोड आता है तो वो रोड ले सकते हैं। तो हम लोगों ने लिया है नाइस रोड होके कनकपुरा। तो अभी हम लोगों ने एंटर किया है NH 75 और यहाँ से अभी पूरा 3 घंटा है और टाइम बता रहे हैं 10:23 तक पहुँच जाएंगे हम लोग, 10:30 तक पहुँच जाएंगे अगर ट्रैफिक नहीं होगा। तो अभी तक तो ट्रैफिक नहीं मिला है, तो देखते हैं आगे क्या मिलता है ट्रैफिक। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कनकपुरा रोड एंटर करते ही थोड़ा सा रोड खराब मिलेगा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शायद 500 मीटर तक है, बहुत दूर तक नहीं है। थोड़ा यहाँ पे गाड़ी स्लो चलाइए क्योंकि ट्रैफिक भी है और कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो इसलिए।
अमरूद देखिए, इतना बड़ा बड़ा अमरूद। अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, वेजिटेरियन होटल भी मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे इनका आश्रम भी है इस साइड में, अगर आपको आना है तो कनकपुरा से मतलब नाइस रोड से निकल के आपको 500 मीटर दूरी पर ही मिलेगा ये। तो कनकपुरा में आपको थोड़ा सा रोड खराब मिलेगा, मतलब रोड इतना अच्छा नहीं है जैसा हमने सोचा था। अगर आपको रोड एकदम सॉफ्ट रोड चाहिए तो आप मैसूर एक्सप्रेस हाईवे ले लीजिए। और अगर कंडीशंस हैं कनकपुरा में वो थोड़े अच्छे नहीं है, तो पैची रोड्स हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अगर आपको एक ही रोड चाहिए तो एकदम आपको आराम से किसी भी झंझट के पहुंचा दे, तो आप मैसूर हाईवे ले सकते हैं। हालांकि अगर आपको सीनिक व्यू चाहिए, थोड़ी सीनरी चाहिए, ग्रीनरी चाहिए, तो आप इस रूट पे आ सकते हैं। लेकिन हाँ, रोड कंडीशंस कहीं कहीं पर आपको पैची मिलेंगे या फिर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नए टोल्स बन रहे हैं, लेकिन अदरवाइज मेरे ख्याल से आ सकते हैं आप इस रोड पर भी। लेकिन वही है, थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि रोड्स उतने बराबर नहीं है। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, अभी टाइम हुआ है 8:30। ब्रेकफास्ट आधे रास्ते में जाके कहीं पे करेंगे, मैंने तो घर से लाई हूँ मतलब ब्रेकफास्ट। रेस्ट रूम जा सकते हैं, क्लीन है, हस्बैंड गए थे तो उन्होंने। ब्रेकफास्ट टाइम, क्या हर ये नया अपना किचन सेट साथ में लेके आई थी, देखिए। और आयान आगे है, दोनों की तबीयत खराब है थोड़ी सी, और ये मैडम पीछे बैठ खड़े होके कपा कच का खा रही है, पता नहीं भूख लग रही है। तो सीनरी मस्त है, क्या है खाने में? As usual ब्रेड टोस्ट और जूस, चाय भी लई हूँ पर चाय अभी नहीं पियेंगे क्योंकि एक कप पी के आए थे घर से। और लंच में है लेमन राइस, जो हमेशा होता ही है। तो व्यू देखिए मस्त है, तो सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो अभी फिर से निकल गए हैं अपनी मंजिल की ओर। और 1:15 दिखा रहे हैं यहाँ से, रास्ता बहुत खराब था, अभी थोड़ा रास्ता अच्छा मिला है। से हम लोग लेंगे लेफ्ट और ये है NH 948, और यहाँ से 41 मिनट्स है, 26 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ से। यहाँ फिर से रास्ता खराब थोड़ा सा।
डिसर। तो अब हम बहुत पास आ गए हैं शिवसंद्रम के पास में, और बाहर का नजारा देखिए क्या जबरदस्त नजारा है। पहाड़ है, और मतलब यहाँ पे आपको आके ऐसा लगेगा कि सब टेंशन दूर हो गई है। मतलब मजे लीजिए आप इस सीन के। मतलब नहीं ऐसे बोल रहे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, पर कोई नहीं, नजारा बहुत अच्छा है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। से हमें लेना है राइट, और हम लोग अभी जा रहे हैं पहले बाराचुकी वाटरफॉल्स, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे गगनाचुकी। मंडिया डिस्ट्रिक्ट में है ये, तो हम लोग मंडिया एंटर कर चुके हैं। क्या नजारा है, फॉल्स का पानी, ये कावेरी का पानी है। ये देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर है। वहां तक तो नहीं जा सकते क्योंकि पानी है, जाने का कुछ रास्ता नहीं है, देख सकते। तो यहाँ से ही थोड़ा सा आप लोगों के लिए हमने वीडियो ले लिया है, थोड़ा सा फोटो भी खिंचवा लेंगे ना दूर से ही। वहां तक तो नहीं जा सकते, यहाँ पे रुक के हवा चल रहा है। ये व्यू पॉइंट आपको बाराचुकी वाटरफॉल जाने के टाइम लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, जाने से 500 मीटर में पहले ही मिलेगा आपको, तो ध्यान से देख के जाइए, लेफ्ट साइड में ही मिलेंगे।
पहुंच चुके हैं बाराचुकी फॉल्स और टाइमिंग है 9 to 5। टिकट देखते हैं कितना लेते हैं। तो टिकट है यहाँ पे 20। एंट्रेंस तो काफी अच्छा है, तो एनिमल्स भी है शायद वाइल्ड एनिमल्स, तो इसलिए खिड़की बंद करने के लिए बोला है। और खिड़की ऊपर करो दोनों ग्लास, हाथ पांव कुछ भी बाहर नहीं निकालना है, बस कुछ दिखाई तो नहीं दे रहे पर प्रिकॉशन लिया तो अच्छा है। शेर, हाथी, हाथी वैसे हमारे साथ में ही है, गाड़ी में ये है व्हाइट हाथी। हाँ, काफी हाथी है, बंदर है। हाँ, बंदर यहाँ पे है, दो बंदर, एक बंदर इस तरफ, तो बड़ा वाला बंदर। बंदर पे कहाँ याद आ गया। छोटी बंदर, बंदर की तरह ही बैठ रही है। तो गाना था ना, बड़े काम का बंदर, बंदर, बंदर। तो देखिए नजारा, वाओ, ऐसा लग रहा है हम लोग मुनार मतलब पार्ट टू में आ गए हैं। क्योंकि आज मौसम भी अच्छा है, धूप है पर हवा बहुत अच्छा चल रहा है। वाइल्ड एनिमल तो नहीं है, डोमेस्टिक एनिमल है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बेईमान मौसम, मौसम मौसम हम लोग पहुंच चुके हैं। 4 मिनट्स बता रहे, मतलब पार्किंग यहाँ पर ही होगा शायद, है ना, ये पार्किंग एरिया ही लग रहा है। जी मैडम, कहीं पेड़ के नीचे पार्क करें तो गाड़ी को भी थोड़ा सा आराम मिलेगा। थोड़ा सा आराम इस तरफ तो नहीं। तो पार्किंग एरिया काफी बड़ा है, खाने पीने का सामान भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो आमला ले लेंगे जाने से पहले, छोटा वाला आमला। तो फॉल्स के आवाज आ रहे हैं हमें, बच्चों के खिलौने भी है और यहाँ से हमें आवाज आ रहे हैं, आपको भी आवाज आ रही है फॉल्स के। तो ये है आयान और इनाया के फ्रेंड। तो पानी में खेल नहीं सकते पर दूर से एंजॉय कर सकते हैं, फोटो क्लिक करा सकते हैं। एक पर्सन का 5 रुपीस है, बच्चों का भी है। तो इस जगह के मैं कुछ बेहतरीन बातें बताने वाली हूँ। तो ये फेमस इसलिए भी है, वन ऑफ द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इन एशिया, व्हिच वाज सेट अप इन 1902। सिवा समुद्रम इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड बिगेस्ट वॉटरफॉल इन इंडिया, which is present on the river Kaveri in Tamil Nadu. This waterfall is also known as Niagara Falls of India. The best time to visit, September to January. यहाँ पे आपको कैमरामैन भी मिल जाएंगे जो कि एक फोटो का है 50 रुपीज, पर हम लोगों ने मोबाइल से ही फोटो ले लिया था। आप चाहे तो फोटो क्लिक करा सकते हैं, पर फोटो 50 रुपीज।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं गगना चुक्की. गगना चुक्की यहाँ से 14 किलोमीटर है, तो 28 मिनट्स बता रहे, तो वहीं जा रहे हैं. बीच में कुछ मिला तो वो दिखा देंगे आप लोगों को. तो यहाँ पर एक बोटिंग पॉइंट है, बयाचुकी वाटरफॉल जाने के टाइम में ही मिलेंगे आपको रास्ते में लेफ्ट साइड में. पर हम लोगों ने सोचा वापस आके हम लोग बोटिंग करेंगे. कोरेकल बोट जो बोलते हैं तो वही है यहाँ पे. और पर पर्सन 100 रुपीज था, और 10 साल के ऊपर मतलब बच्चों के ही टिकट लगते हैं. 10 साल के अगर छोटे हैं तो उनको फ्री है, और एक राउंड लगाते हैं, और एकदम पूरा सेफ्टी के साथ मतलब है, तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है. सिक्योरिटी भी है, पुलिस भी है. एंजॉय कर रहे हैं कोरेकल बोट में, और यहाँ पे पर पर्सन 100 रुपीज है, इनायत का फ्री है. बहुत अच्छा व्यू के साथ देख सकते हैं सीनरी, तो वहां से आए हैं देखिए. तो इस तरफ एक राउंड लगाएंगे. अच्छा है, काफी ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, गर्मी में अच्छा लग रहा है. इनायत कैसा लग रहा है? आयन तो कोरेकल राइड के बाजू में ही है ये. तो बारिश शुरू हो गई है, देखिए वीडियो में इतना पता नहीं चल रहा है. ये भी बहुत अच्छा व्यू है. तो और 10 मिनट्स है गगना चुक्की के लिए, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं. बारिश हो रही थी तो अभी थोड़ा सा स्टॉप हुआ है बारिश. बैठने वाले नहीं थे पर फिर भी बैठ गए हमारे लिए. तो कैसा लगा? पहले थक थक कर रहा था, बाद में अच्छा लगा. थक थक हो गया, बहुत अच्छा हवा चल रहा था, और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी मतलब, तो इसलिए और अच्छा लगा. हमारी टाइमिंग मतलब ऐसी थी कि हम लोग उतरे यहाँ से, बारिश शुरू हो गई उतरने की थोड़ी देर बाद, पर हल्की हल्की, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा. इनायत को भी थोड़ा सा डर लग रहा था, पर इनायत ने भी बहुत एंजॉय किया, और आयन को तो पहले से ही बैठना ही था मतलब वहाँ पर. वो तो मछली दिल की रानी जैसा है, मछली पानी पसंद है. मसला है, मछली नहीं है. तो यहाँ से राइट लेना है हमें गगना चुक्की के लिए. क्या लिखा है? शिवा समुद्रम वेलकम सिवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. ये है गगना चुक्की का पार्किंग एरिया.
नहीं, साइड पे होता तो अच्छा था ना, वहाँ पर कॉर्नर में देखो है ना। तो यहाँ पे हम लोग लंच कर रहे हैं अभी। घर से मैं लेमन राइस बना के लाई थी, तो इन्हें को मैं यहाँ पे खिलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी। साथ में है सिप्स। हॉर्स राइडिंग भी ले सकते हैं आप लोग। When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the और इनाया ने यहाँ पे एंजॉय किया हॉर्स राइडिंग। और हॉर्स राइडिंग यहाँ पे था पर पर्सन 100 रुपीज़, और अगर दो बैठेंगे तो 150। तो हमने रिक्वेस्ट किया तो 100 रुपीज़ ही लिया। अगर आप बार्गेन करेंगे तो 100 रुपीज़ में अगर बच्चे हैं तो दो बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं 100 रुपीज़, नहीं तो पर पर्सन 100 रुपीज़। इनाया देखो, बनाना चाहिए बनाना। तो अभी हम लोग जिस रोड से आए थे कनकपुरा होके, तो उस रोड से नहीं जा रहे हम लोग। अभी जा रहे हैं मदुरू होके, मंडिया डिस्ट्रिक्ट में ही है ये, और रामानगर होके जाएंगे ना, चनापटनम रामानगर ये सब होके जाएंगे। तो दिखा दूंगी, हमें भी पता नहीं है ये रास्ता, तो जैसे जैसे पता चलेगा आपको भी बताते जाएंगे। आज मौसम बहुत अच्छा था। और अभी टाइम हुआ है 4 बजने में और 5 मिनट बाकी है, और हमने वहां से 3:30 बजे छोड़ा था शायद ना, तो अभी यहाँ से बता रहे हैं 2.5 घंटा। तो देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। टाइम तो बता रहे हैं 6:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे घर, अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो बेंगलोर में। तो हमने ले लिया है मैसूर एक्सप्रेस हाईवे, तो इसलिए टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा, रास्ता भी बहुत अच्छा था, तो इसलिए हम लोग 6 o'clock तक घर पहुंच गए थे। और इसी के साथ आज का व्लॉग्स खत्म करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, खास करके दुआ में याद रखें। तो मिलते हैं एक नया व्लॉग्स में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।